बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू तबस्सुम्स किचन। आज हम बना रहे हैं ज़ीरा राइस जी। इसके लिए ये देखिए, सबसे पहले मैंने ले लिए हैं तकरीबन 2 चम्मच ज़ीरा, ठीक है, और 10 से 12 अदद लौंग। ये देखिए, सो ये हैं लौंग, ये हैं काली मिर्चें, साथ में ये मेरे पास है मोटी इलायची जो बड़ी इलायची होती है, और साथ में ये है दालचीनी के टुकड़े, ठीक है। इसके साथ ये मेरे पास 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये 3 अदद हरी मिर्चें हैं, 1 चिकन क्यूब्स है, और ये मेरे पास है कुकिंग ऑयल। साथ में ये देखिए, 2 चम्मच हैं सुर्ख मिर्च, और तकरीबन 3.5 से 4 चम्मच हैं नमक, और साथ में ये है मेरे पास प्याज, और मैंने 3 गिलास जितने चावल लिए हुए हैं जिन्हें मैंने धो के रख दिया है, और उसको मैंने भिगोया नहीं है। तो अब मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ जी। ये देखिए, कुकर में सबसे पहले ये मैंने डाल दिया, तकरीबन ये 1 पाव जितना था कुकिंग ऑयल, ठीक है। ये अब इसमें प्याज मैंने डाले जी। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं, ये सारा जो खड़ा मसाला है ये हम डाल देंगे, और थोड़ा सा इसको भी कड़कड़ाएंगे, साथ में हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देते हैं, ठीक है। फ्लेम हम लो रखेंगे। अब इसमें जाएगा नमक और जाएगी सुर्ख मिर्च, ठीक है। ये अब इसमें हम हरी मिर्चें डालेंगे, और ये हमारे पास चिकन क्यूब्स हैं, ये भी हमने डाल दिए, और थोड़ा इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। ये मैंने 3 गिलास जो राइस लिए हुए हैं ये अब मैं इसमें डालने लगी हूँ। ये देखिए, थोड़ी सी देर आपने बस इसे राइस को मिक्स करना है, उसके बाद हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। ये देखिए, सारा मसाला जो है ये इसको लग चुका है, कितना प्यारा ये देखने में दिख रहा है, ठीक है। ये जो ग्लास था ये मैंने मेजरमेंट के लिए रखा हुआ था, तो इसी के साथ अब मैं पानी इसमें डाल देती हूँ। अब इसमें वाटर ऐड करने वाले हैं, ये देखिए, 4.5, ठीक है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी कम डाल रही हूँ क्योंकि मैं कुकर में बना रही हूँ, तो आप देख लीजिएगा, अगर आप खुले पतीले में बना रहे हैं तो उसी हिसाब से आप पानी डालें। अब कुकर को बंद कर देते हैं। ये देखिए, कुकर हमने बंद कर दिया है, ठीक है, और ये इसे लगा देंगे, और अब हम इसको, जब ये सीटी बजने का अलार्म बजने का स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हम तकरीबन 2 से 2.5 मिनट तक अपने जो राइस हैं उसको पकाएंगे, ठीक है। फ्लेम जो है वो आपने 2 से 2.5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम कुकर का ढक्कन हटा देते हैं। ये देखिए, चावल जो हैं वो हमारे बन चुके हैं, ठीक है। अब हम इसको मिक्स करेंगे, तो मैं मिक्स करने के बाद आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारे ज़ीरा राइस रेडी हो चुके हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।